हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। ये हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक पढ़ के जरूर जाइएगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ अनेकार्थी शब्द क्या होता है। अनेक प्लस अर्थी इक्वल टू अनेकार्थी, मतलब जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो अंग है, ठीक है, अंग के एक से अधिक अंग अर्थ होते हैं। ठीक है, एक अंग होता है अपना शरीर, ठीक है, शरीर का हिस्सा। दूसरा अंग मान लो अंडमान भारत का एक अंग है, एक ये भी हम लोग बोलते हैं, मतलब ये संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे द्विज, द्विज क्या होता है, द्विज में होता है पक्षी होता है, अंडज होता है, दांत होता है, प्राणी होता है, ब्राह्मण होता है और चंद्रमा होता है। ये बिल्कुल पर्यायवाची की तरह ही होता है, बस ये थोड़ा टफ होता है पर्यायवाची से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं है, ये अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, नाग की बात करें, सर्प, हाथी, पर्वत, बादल, वायु का भेद, हरि, विष्णु, चांद, दंत, सूर्य, घोड़ा, कामदेव, हाथी, आग, हंस। ठीक है दोस्तों, पानी का मतलब क्या होता है, इज्जत को बचाना होता है। ठीक है, जल हो गया, इज्जत हो गया, वर्षा हो गया, वन हो गया, चमक हो गया, स्वाभिमान हो गया और लज्जा हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा हो गया पानी, हो गया पानी को क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, इज्जत होती है, लज्जा, जैसे होता है ना लज्जा, पानी लज्जा से पानी पानी हो गया। ठीक है, तो स्वाभिमान, वर्षा, वन, चमक, ये सब पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। सारंग क्या बोलते हैं, हिरण हो गया, कोयल, औरत, हवा, दिया, पक्षी, हाथी, घोड़ा, सिंह, भौरा, ये सब को बोलते हैं सारंग। दोस्तों आप लोग एक काम नहीं कर रहे हो, मेरे चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, क्योंकि जो मैं मैटर दे रहा हूँ ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को शेयर करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, अंबर क्या होता है, अंबर का होता है आकाश, आसमान, बादल, वस्त्र, कपास, इत्र। ठीक है, गो को क्या बोलते हैं, गो मतलब गाय होती है, पृथ्वी में हमारी गाय होती है, नदी होती है, आकाश, तारा, माता, सरस्वती और चंद्रमा, ये सब गाय में होता है। अर्घ को क्या बोलते हैं, अर्घ इंद्र का एक नाम होता है, सूर्य होता है, विष्णु जी के ऊपर अर्घ का नाम होता है, तांबा होता है। कनक को क्या बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, धतूरा बोलते हैं और सोना बोलते हैं। बाकी और भी नाम आप सर्च कर लीजिए नेट से, जो मैं लिख रहा हूँ ये हर एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब्ज क्या होता है, चंद्रमा, शंख, कमल, कपूर। पंचानन क्या होता है, शिव, प्रकांड, विद्वान, ठीक है, केसरी, हरि सिंह, ये नाम होता है। विधि क्या होता है, विधि मतलब नियम होता है, कानून होता है, युक्ति होता है, तिथि होता है और अवधि होता है। अमृत क्या होता है, जल, अन्न, स्वर्ग, दूध, पारा। पारा क्या होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये अपने स्टीम टेबल में ये एक उसमें आता है। घन क्या होता है, बादल, हथौड़ा, थोड़ा टफ होता है लेकिन इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, फल क्या होता है, परिणाम, लाभ, रसयुक्त, मेवा, प्रभाव, शस्त्र का अगला भाग, ये सब फल में आता है। पत्र क्या होता है, पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, अखबार, ये सब पत्र के अंदर आता है। रस क्या होता है, आनंद, पानी, स्वाद, स्वतत, निचोड़। वर क्या होता है, वरण करने योग्य, पति, वरदान, दूल्हा। संधि क्या होता है, जोड़, संकेत, ज्ञान, चेतना। ठीक है दोस्तों, बलि में क्या होता है, बलिदान, उपहार, चढ़ावा, कर होता है एक तरह का, राजा का नाम भी होता है, थे ना राजा बलि। पुष्कर क्या होता है, पोखरा, झील, पानी, कमल, ये पुष्कर के अंदर आता है। मानो के नीलकंठ शिव जी का नाम होता है। ठीक है, मोर, पक्षी, जीवन में क्या होता है, जिंदगी, पानी, आत्मा, प्राण, जीवन निर्वाह। जलज क्या होता है, जल,
नीर तोए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा सारे शब्द और याद भी कर लिया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराना भूलें। थैंक यू।